हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे यदि आपने परचेज ऑर्डर दे रखा है तो उसको रिसीप्ट नोट कैसे करेंगे। उसकी रिसीप्ट नोट की एंट्री हम अपने आज के इस चैप्टर में आपको बताएंगे। आप गेटवे ऑफ टैली से अपने कीबोर्ड में ई प्रेस करेंगे और अल्ट प्लस एफ नाइन। यहाँ पर रिसीप्ट नोट है। मैं आपको बताना चाहूँ कि हमने एक परचेज ऑर्डर दे रखा है DEPO परचेज ऑर्डर देखने के लिए DEPO POAPR01 अग्रवाल होम अप्लायंस मैंने परचेज ऑर्डर देखा है। मैं उसके बाद ई फॉर ऑर्डर अल्ट प्लस एफ नाइन रिसिप्ट नोट मैंने RN रिसिप्ट नोट /APR/01 मैंने एक कोड इसका दे दिया या रेफरेंस नंबर दे दिया। अग्रवाल होम अप्लायंसेस को दे रखा है मैंने ऑर्डर। यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका जो ऑर्डर नंबर या ट्रैकिंग नंबर दिख रहा है वो दिख रहा है। परचेज अकाउंट पहले से ही यहाँ पर आ गया हुआ है। परचेज अकाउंट को मैंने सारी डिटेल यहाँ पर पहले से ही है, सारी डिटेल जो हमने परचेज ऑर्डर में थी, परचेज ऑर्डर से इसने क्या कर लिया, उस डिटेल को ट्रैक कर लिया। उस डिटेल को जैसे ही ट्रैक कर लिया मैंने कंट्रोल से डेटा को सेव कर लिया, वाई फॉर एक्सेप्ट। और अगर डिफरेंट देखना चाहते हैं कि कहां गया, यस फॉर स्टॉक में चेक करेंगे तो आपके पास डेली गोडाउन में 500 जो आयरन है वो क्या हुआ है, आ गए हैं। लेकिन अगर आप परचेज चेक करेंगे DAP परचेज, लेकिन परचेज में इसकी कोई एंट्री नहीं है क्योंकि अभी आप परचेज नहीं किया है। अभी आपने ऑर्डर दिया, फिर उसके बाद जो आपका सप्लायर था, सप्लायर ने गुड्स को आपको भेजा और आपने उसको अपने बुक्स अकाउंट्स में एंट्री किया, आपके गोडाउन में आपका माल आ गया है लेकिन अभी उसने नहीं भेजा हुआ है। अगर दूसरी तरह के इसको चेक करना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं। आप DSS प्रेस कर देंगे, DSS पे आप परचेज प्रेस करेंगे, DSS से P for purchase, यहाँ पर आप देखेंगे परचेज नहीं है, सॉरी अभी यहाँ पर रिसिप्ट नोट में आप देखेंगे, रिसिप्ट नोट में एक आपके लिए एक रिसिप्ट नोट है। दोस्तों, आज की इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।